अलास्का में एक पर्वत है जिसका नाम है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ये जो पर्वत है ये अलास्का में है, और जैसा कि आपको पता होगा कि अलास्का जो है यूएसए का एक भाग है। तो ये जो पर्वत की खासियत है, ये विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित, अगर आपको बात की जाए कि ज्वालामुखी कौन है, तो एक एंडीज पर्वतमाला है। साउथ अमेरिका महाद्वीप में एक पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, जो कि साउथ से नॉर्थ की ओर फैली हुई है। यहाँ पे अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर एक पीक है। इस पीक का नाम है ओजस डेल सेलाडो। तो ये जो ओजस डेल सेलाडो है, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव, ऐसा एक्टिव ज्वालामुखी पर्वत है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो ये दोनों में डिफरेंस यहाँ पे ये है कि कोटोपैक्सी सबसे ऊंचाई वाला ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, और ओजस डेल सेलाडो जो है वो एक ऐसा ज्वालामुखी पर्वत है जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ये पूरी पर्वत की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, ये पीक की बात की जा रही है। इस पीक पर ओजस डेल सेलाडो है, मतलब विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर हम विश्व की सबसे ऊंचाई पर शांत ज्वालामुखी की बात करें, तो वो एकांका गुहा है। एकांका गुहा भी इसी पर्वतमाला पे स्थित है। इसी पर्वतमाला पे एकांका गुहा है, एकांका गुहा, ठीक है। तो अगर हम एकांका गुहा की अगर ऊंचाई की बात करें, तो ये कितनी ऊंचाई पर है, तो समुद्र तल से ये 6,960 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है। और अगर हम ओजस डेल सेलेडो की बात करें, तो ये भी लगभग इसी के बराबर ऊंचाई पर स्थित है। अगर हम कोटोपैक्सी की अगर बात करते हैं, तो ये करीब, अगर हम इसे फीट में कैलकुलेट करेंगे, तो 19,613 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो हमने ये देखा है यहाँ पे इस वीडियो में कि कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। लेकिन अगर बात की जाए सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी की, तो वो है ओजस डेल सेलेडो। ये कहाँ है, ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। और अगर हम सबसे निष्क्रिय ज्वालामुखी की बात करें, जो भी एक्टिव नहीं है, तो वो एकांका गुहा ज्वालामुखी है। ये भी एंडीज पर्वतमाला पे स्थित है। इसकी ऊंचाई है 6,960 मीटर। थैंक यू।